डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ले डीडीएमए ले ने कोरोना कर्फ्यू का ऑर्डर इशू किया था हमने, जो मंडे 5 मतलब आज 5 बजे सुबह ख़त्म हो रहा था। उसके बाद हमने उसको एक्सटेंड किया 17 तारीख तक, मंडे सुबह 5 बजे। तो उसमें जैसे लिखा है ऑर्डर में कि सारी रिस्ट्रिक्शन एंड द एक्सेप्शन शल कंटिन्यू, और एडिशनल हमने कुछ रिलैक्सेशन दी थी, जैसे सब्जी की दुकान है, फ्रूट्स, मटन, चिकन और बेकरीज, मिल्क प्रोडक्ट्स, ये दुकानें खुली रहेगी, क्योंकि हमने देखा कि 7 दिन का ये पीरियड ज़्यादा है, तो लोगों की सहूलियत के लिए हमने ये अलाउ किया था कि ये दुकानें खुली रहेगी 1 बजे तक। तो आज हमने राउंड लगाया पूरा ले टाउन और अराउंड सारी जगह का, उसमें यही ऑब्जर्व किया कि जो रिलैक्सेशन दी गई थी उसमें क्लियरली मेंशन था कि सिर्फ दुकानें खुलेगी, तो जो देखा हमने उस रिलैक्सेशन का काफ़ी मिसयूज पब्लिक की तरफ से हो रहा है। हमने चोगलम सर में जाके देखा, ले गेट, सारे जो मेजर मार्केट्स है वहाँ पे मैंने और एसएसपी साहब ने दौरा किया, उसमें ये ऑब्जर्व किया कि काफ़ी वायलेशंस उसमें पाई गई। तो ये मैं क्लेरिफाई करना चाहूँगा कि मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स वो अलाउड नहीं है, हमने सिर्फ शॉप्स और जो एसेंशियल की थी वो खोली थी। उसके पीछे ये हमारा मकसद है कि जो आपने नज़दीक लोकेलिटी और मोहल्ले में ये दुकानें हैं वहाँ जाके लोग खरीदे, क्योंकि अभी इस रिलैक्सेशन का मिसेज ऐसे हो रहा है कि सब्जी और वेजिटेबल लेने के नाम पे दूर से लोग ले में आ रहे तब, क्योंकि और वो सारा सामान अपने लोकेलिटीज में मिल रहा है, तो ये वायलेशन हमने देखा। तो यही मैं बात आपके सामने क्लियर करूंगा कि मूवमेंट ऑफ जो व्हीकल्स है वो अलाउड नहीं है, अपने अपने लोकेलिटीज़ में लोगों ने जो शॉप्स खुलेंगे विद इन प्रिस्क्राइब टाइम लेके वो भी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, वो सारा जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका पालन करके ये सारा एसओपीज फॉलो करनी है। प्लस एक और ऑब्जर्व किया कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का भी, कि जो हमने लिखा है रोस्टर ड्यूटीज़ उसका भी हमने नाकों पे चेक किया, तो काफ़ी कुछ वेरिएशन हमें दिखी, तो उसके बारे में भी हम एक रोस्टर्स उनका जो है इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं, HOD से भी हम फीडबैक लेके अगर कलर कोडिंग करनी है एम्प्लॉयज़ को डेज के हिसाब से वो भी हम इशू करेंगे आज ही।